हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है डॉग लवर्स के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपने अपने पपीज की डीवॉर्मिंग कब और कितने पीरियड के बाद करनी है। इससे पहले कि हम वीडियोस को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर हो नहीं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों अगर आप पपीज की डीवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो उसके पेट में पलने वाले लंबे लंबे बड़े बड़े से कीड़े उसकी सारी डाइट खा जाएंगे और आपका पपी होगा सड़ियल सा, मरियल सा, जिसकी पसलियां बाहर होगी और एकदम भद्दा सा दिखेगा आपका पपी। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये है मेरा डॉगी जर्मन शेफर्ड फीमेल। मैंने इसको पहली बार पेट के कीड़ों की दवा इसकी 4 हफ्ते की उम्र में दी थी और आपने भी अपने डॉगी को पहली बार डीवॉर्मिंग की मेडिसिन दवा 4 हफ्ते की एज में देनी है और फिर उसके बाद उसे 3 हफ्ते बाद 21 दिन के बाद आप उसे डीवॉर्मिंग की मेडिसिन ज़रूर दोगे। दोस्तों अब 21 दिन के बाद मेडिसिन देने के बाद आपने अपने डॉगी को 1 साल की उम्र तक डीवॉर्मिंग करनी है और ये डीवॉर्मिंग आपने करनी है हर 3 महीने के बाद। 1 साल की आयु तक आपने अपने डॉगी की डीवॉर्मिंग करनी है। दोस्तों जब आपका डॉगी हो जाए बड़ा तब भी आपने डीवॉर्मिंग करनी है, लेकिन आप डीवॉर्मिंग का पीरियड बढ़ा सकते हो। आप अपने डॉगी की डीवॉर्मिंग जो पहले 3-3 मंथ के बाद करते थे, अब आप उसे 4 से लेकर 5 मंथ के बाद भी कर सकते हो। भाइयों ये अंदर के परजीवी आपके डॉग्स को बहुत तंग परेशान करते हो, उसको खुराक नहीं लगने देते जो भी आप डालते हो। इसके साथ ही जब आप अपनी फीमेल डॉग्स को मेट करवाना चाहते हो उससे पहले उसको पेट के कीड़ों की दवा देनी अवश्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह ना तो हीट में आ सकेगी सही तरह से और ना ही प्रेग्नेंट ठहर सकती हैं मेटिंग के बाद। तो दोस्तों बात करें हम पेट के कीड़ों की दवा की जो आपने अपने डॉग्स को देनी है डीवॉर्मिंग के लिए, जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध है और आप डॉक्टर के पास जाकर भी उनसे ला सकते हो, जिनका नाम है पिम्प्राजाइन, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, पारेंटल पोमेट। दोस्तों अपनी आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉग्स की वैक्सीनेशन के बारे में। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। धन्यवाद।